जाग कत्तियां पहाड़ा जहियां रातां बोल सुन सुन बाबे दी रबाब दे वाह वाह के हल साडे हत्थां उत्ते बन गए नक्शे पंजाब दे हो कूंज कर गए हाय राजधानी वाल वेखी दब दे ते नाहीं असीं हारांगे हो कर ले तू पावे हुण लख साजिशां सरकारे असीं हक लै के आवांगे होई चल जवार दिलिए तेनू ओनी वारी व्याह के लै के आवांगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा के दिखा रहा हूं, जहां पे आज 22 ग्रुप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरा ग्रुप आज टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो रहा है, दिल्ली कूच कर रहा है। और हमारे साथ जो है इस 22 ग्रुप के तमाम सदस्य हैं, वो दशहरा ग्राउंड सिरसा में मौजूद हैं और अभी जो है कुछ ही देर बाद यहाँ से दिल्ली रवाना होंगे। हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह से ये आपका जो रूट प्लान रहेगा और कौन कौन लोग जा रहे हैं? मैं पहला तो सारे लोकल मीडिया का धन्यवाद करता है, क्योंकि वह लगातार हर स्टैप टू स्टैप जो जिस दिन तो यह अंदोलन चलिया उस तो ये दिखा रहे हैं, क्योंकि यह छोटा बहुत बड़ा मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जिनी सलाघा की जाए उन्नी थोड़ी है। जी साड़ी रैली की प्लैनिंग है, ये असी 22 ग्रुप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा हर वक्त स्टूडेंटां दीआं हक्कां वास्ते खड़ा रहा और लड़ता रहा, जो कि बहुत पुराना जिस दीआं बहुत डूंघियां जड़ां ने। तो अज जो असी रैली रखी है इसका मकसद ये है, क्योंकि असी सारे इस मजदूर का पुत भी है, एक दिहाड़ीदार का पुत भी है, एक झोपड़ी वाले का पुत भी है, एक किसान का पुत भी है, एक व्यापारी का पुत भी है। इस करके असी सारे यूनिवर्सिटियां च कॉलेजां च पिंडां दे विच वक-वक ITI पढ़ते ने, पर असी जुड़े हुए सारे किसानी नाल, पर जो किसानी नाल जुड़े हुए हैं तो जो अज साडी होंद नूं साडी पग नूं हथ पालिया साडे इस काले कानूनां ने बार बार सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, पर मैनू समझ नहीं आ रही, पता नहीं सानू समझ नहीं आ रही यार, पता नहीं सरकार नूं समझ नहीं आ रही। साडी बेनती है सरकार नूं समझ लेना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा खड़ा हो चुका है, इस करके इन्हां कानूनां नूं जिन्ना जल्दी वापस ले लूगी सरकार चंगी रहूगी, नहीं तो आने वाले समय च वार बार पछताते रहेंगे। तो जिहड़ी गल साडे रूट दी अज इत्थों पूरा साडा सरसा जिले का बच्चा बच्चा गल करूँ अगे फतेहाबाद इसार रोहतक तो जिमें जिमें काफला टीकरी बार्डर पहुँचूगा ये काफला बड़ा होंदा जाऊगा। जनता का इन्ना जूथ का इन्ना जोश है, फोन आ रहे ने सानू वार वार कॉल भी कदों चलोंगे, सातों फोन नहीं पिक हो रहे। इस करके जिन्हें भी अज संगत इत्थे आई हुई है साडा जूथ इत्थे पहुँचा होया, असी बाले दिल की गहराई चों सारे संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कनियो 22 ग्रुप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कनियो बड़ा धन्यवाद करते हैं। यह जो जथा भारतीय किसान यूनियन झड़ूनी की दक्षता के हेठ जेडे एक साफ सुथरी छवी के बंदे ने, जिन्होंने एक हरियाणे के एक ऐसा चेहरा निकल के आए ने और पूरे जिहड़े अज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। ठीक है, पर सानू बड़ा दुख लग्या तड़के उन्होंने एक कमेटी के मुअत्तल करता। साडी बेनती है जथेबंदियां नूं सारियां नूं भी यह बहुत गलत करिया, इस नाल अंदोलन ते बहुत भैड़ा असर पैना, क्योंकि वो जो सच की आवाज़ उठाने वाले बंदे ने जो अंदोलन चलिया, क्योंकि उन्होंने सब तो पहला अंबाले वाला बैरीगेट तोड़िया सी तां वह बंदा सी जिन्हें तोड़िया सी, उस तो बाद इधर सरसे कनियों हांसपुर वाला बैरीगेट सी वह तोड़िया गया सी, फिर अगरोही वाला तोड़िया गया सी, जिहड़ा मीडिया के दिखाई नहीं गए सी, उस तो बाद जिवें जिवें अगे वधे सी दिखाए गए सी। इस करके असी सारिया ने अज जो रैली असी कढ रहे पूरे जोर शोर के नाल, साडा यही मकसद है भी स्टूडेंट भी जिहड़ा हुण चल चुका है, जूथ एक ऐसी ताकत है जिहड़ी सरकारां दीआं जड़ां कहिंदा हिला देणियां। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि आज 22 ग्रुप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी बड़ी रैली है, वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, टिकरी बॉर्डर पे जो है यूथ जा रहा है। और इससे पहले क्योंकि किसानों का जो संघर्ष है लंबे समय से चल रहा है, किसान तीनों ही अध्यादेशों के खिलाफ जो है सड़कों पे है, और आज सिरसा से जो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो सैकड़ों सदस्य हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों से दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि यूथ के साथ साथ इन किसानों की आवाज़ भी सरकार तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।